हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर माथुर। आज मैं आपको जो महिंद्रा की बहुत ही अच्छी गाड़ी है TVS 300 वो दिखाना चाहूँगा और उसके बारे में फुल डिटेल से आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि गाड़ी देखने में बिल्कुल बंकी लुक आया हुआ है। इसकी लाइटें नॉर्मल है, नीचे फोग लाइट दी हुई है और जो इसमें क्रोम का काम कंपनी की तरफ से हुआ है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि देखने में ग्रिल से भी बंकी लुक आया हुआ गाड़ी में। आइए हम आपको साइड प्रोफाइल और दिखाता हूँ। इसमें इस वाले मॉडल में कंपनी की तरफ से ये लाइव ही लाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें महिंद्रा का लोगो है और इसमें टायर साइज है 215/75 R15 15 इंची वाले अलॉय व्हील है। शीशों में इंडिकेटर नहीं है, यहाँ साइड में दे रखे हैं और आप देख रहे हो ऊपर रूफ रेल है और नीचे फूट रेस्ट दे रखा है ये, जो कि देखने में काफी अच्छा है। और ऊपर ये एंटीना है ब्लैक वाला। देख रहे होंगे पीछे से गाड़ी देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। इसकी स्टेपनी बाहर दे रखी है जो बाहर का डोर है और यहीं से अप एंड डाउन हो सकते हैं। जो पिछले वाली रो है यहीं से बैठ सकते हैं उसमें। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ लाइटें दे रखी है, लाइटों का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। यहीं पे नीचे इंडिकेटर दे रखे हैं, नीचे 4 सेंसर दे रखे हैं, यहाँ पे TVS 300 की बैचिंग दे रखी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्यूल टैंक है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 60 लीटर और डीजल के अंदर है। आइए आपको साइड प्रोफाइल और दिखाता हूँ मैं इसकी। यहाँ पे पावर्ड बाई हवक 100 के नाम से लॉन्च की गई थी। आइए दोस्तों मैं आपको अंदर से और दिखाता हूँ। जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। आप जैसा कि जानते हो महिंद्रा तो इस चीज में बहुत ही बेहतरीन है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है मेरे को गाड़ी की। आइए मैं आपको अंदर से और दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे सीट एडजस्ट का भी दिया हुआ है। अंदर से इसका इंटीरियर काफी सुंदर है। जैसा कि आप देख रहे होगे बिल्कुल सॉफ्ट टच कहीं से नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है और इंटीरियर काफी प्रीमियम फील करवा रहा है। इसमें नॉर्मल वाला इन्फोटेनमेंट सिस्टम दे रखा, यहाँ साइड में इसके चारों पावर विंडो दे रखे हैं, यहाँ मिरर को लॉक अनलॉक के लिए दिया हुआ है। 5 गियर दिए हुए इसमें, 1 गियर बैक गियर दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होगे नॉर्मल एसी दिया हुआ है, नॉर्मल एसी दिया हुआ है, यहाँ इको का मोड दिया हुआ है और 12V 120 वाट में चार्जर दिया है, यहाँ USB दी हुई है। एसी दे रखे यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अलग पैसेंजर के लिए दिया हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो एक ग्लो बॉक्स दे रखा, काफी स्पेस दे रखा है यहाँ पे, यहाँ ग्लास होल्डर दे रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ 120V का चार्जर दे रखा है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ 2 एयर बैग आते हैं इस वाले मॉडल में, एक यहाँ और एक यहाँ पैसेंजर के लिए। और जो इसके स्टेयरिंग में ही अप एंड डाउन के लिए दिया हुआ, फोन काटने के लिए और उठाने के लिए। गाड़ी में बैठने के बाद मेरे को बिल्कुल प्रीमियम फील महसूस हो रहा है, काफी अच्छी लग रही है मेरे को गाड़ी देखने में। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है गाड़ी का इंटीरियर। क्लस्टर के बारे में और बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे ये 7000 किलोमीटर चली हुई है और इसमें फ्यूल के लिए भी दिखा रखा है और कितनी रेंज आती है गाड़ी में टंकी के फुल करवाने के बाद कितनी रेंज दिखाती है वो भी दिखा रहे हैं। यहाँ बैटरी का इंडिकेटर दे रखा है, यहाँ तेल का, यहाँ सीट बेल्ट का। गाड़ी का इंटीरियर और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में काफी बंकी लुक दिखाई दे रहा है इसका। आपको पीछे से और दिखाता हूँ पीछे इसमें कितना स्पेस दिया हुआ। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होगे यहाँ पे एक पावर विंडो दे रखा है और ये डोर हैंडल यहाँ, और जैसा कि आप देख रहे होगे बूट स्पेस इसमें यहाँ पे काफी दे रखा है। मैंने अपनी हाइट के हिसाब से गाड़ी को एडजस्ट कर रखा है। मेरी हाइट 5'11" है और मेरे को यहाँ काफी स्पेस मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे होगे गाड़ी में स्पेस की किसी प्रकार की कमी नहीं है, देखने में गाड़ी काफी अच्छी लग रही है मेरे को। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट टच दे रखा है,
दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ टिकट होल्डर है और यहाँ मिरर दे रखा है और ये लाइट दे रखी है यहाँ पे, यहाँ ये ORVM दे रखा है नाइट विजन वाला, फोन वगैरह रख सकते हैं तो उसके लिए भी अलग से स्पेस दे रखा है। स्पेस की गाड़ी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। कि आप दोस्तों देख रहे हो पीछे भी वो बच्चों और बड़े अडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। अगर वो नहीं बैठे तो भाई यहाँ अपना लगेज वगैरह बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं। मेरे को यहाँ भी काफ़ी स्पेस लग रहा है गाड़ी में। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो काफ़ी हैवी बोनट दे रखा है इसका और इसमें यहाँ पे कपड़ा दे रखा है जिससे केबिन परफेक्ट तरीके से इंजन का सेटअप कर रखा है। यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है, जैसा कि आप देख रहे हो 1500 सीसी में आती है डीजल के अंदर, काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को देखने में। और आप और बताना मेरे को भाई कैसी है गाड़ी। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज मैंने TVS 300 के बारे में फुल डिटेल रिव्यू दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।